नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 247 हमारे से प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशीष गौतम आपका दोस्त यहाँ पर तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, इस 600 की सीरीज़ की बात करते हैं। तो इस 600 की सीरीज़ में मेरे दोस्त हम लोग 8 क्लासेस कवर कर चुके हैं। अराउंड 480 से 85 के 90 के आसपास हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब डिस्कशन करेंगे ना है यहाँ पर 493 क्वेश्चन से, ठीक है दोस्तों आगे। बट गाइस फटाफट से उससे पहले यार जरा वीडियो के लिंक को कॉपी करके शेयर वेयर करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऐसे बच्चे जो SBI मेन्स के लिए जा रहे हैं, SBI क्लर्क मेन्स के लिए, इस बैच को परचेज कर लो। अक्टूबर की 3 क्लासेस, आज मेरी इसमें 3 क्लासेस कवर हो चुकी हैं। यहाँ पर अक्टूबर का डिटेल में मैंने डिस्कशन किया, प्लस उस पर MCQs हैं 200 से ज़्यादा, वो डिस्कस किए हैं गाइज। अभी इसमें अभी थोड़ा पार्ट और बाकी है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरीके से हम लोग हर महीने को तीन 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 क्लासेस में डिवाइड करें, तो इस बैच को आप ले सकते हैं। ये बैच भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। या जो बच्चे RBI असिस्टेंट मेंस के लिए जा रहे हैं वो ये दो बैच ले पाएंगे। किसी को इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश प्योर, और किसी को बाइलिंगुअल चाहिए तो बाइलिंगुअल बैच। कोड यूज़ करना Y168, 5% डिस्काउंट मिलेगा भाई। RBI असिस्टेंट मेंस के लिए भी मेरा बैच आ चुका है स्टोर पर, इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। कोड यूज़ करना Y168, 5% डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। क्रैश कोर्स परचेज करना है पीयूष भाई का कैप्सूल, तो भाई यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी, ये भी स्टोर पर अवेलेबल है। अड्डा स्टोर पर जाएगा वहाँ पर आपको सब अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला सवाल। ओके यार ये लिस्ट देख लीजिए फटाफट से, इस लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट में जितने भी अभी तक नोट आए हैं ना, उन नोट का बेस कलर है ये, उन नोट के पीछे क्या बना, मोटिव क्या बना है वो लिखा है, और उसका डायमेंशन क्या है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आराम से पढ़ लीजिएगा, इसे याद कर लेना मेरे भाई, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझते हैं। अरे तुम कहाँ भाग गए भाई, तो हमारे तो कमेंट ही चले गए। अरे एक मिनट दोस्त, एक मिनट कमेंट ओपन कर लें फटाफट से, फिर चालू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल, किस देश के साथ कैबिनेट ने दोहरे, दिशु भाई क्या हुआ, वॉल्यूम कम है क्या, साउंड लो है सर, साउंड बहुत कम है, बहुत कम। साउंड कम है क्या, तो साउंड कम है क्या, ओके। किस देश के साथ कैबिनेट ने दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है। विद विच कंट्री कैबिनेट हैज अप्रूव प्रोटोकॉल अमेंडिंग द एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल एविजन। गाइस ये समझौता रहा है श्रीलंका के साथ, किसके साथ रहा है ये समझौता, श्रीलंका के साथ रहा था, इसे याद रखना। भारत की इस देश के साथ एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है सूर्य किरण, सूर्य किरण, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट यार, DRDO ने एक कितने किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणास्क विकसित करना शुरू किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बना था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। सवाल यहां पर ये है कि DRDO हैज स्टार्टेड डेवलपिंग प्रनास जो कि एक मिसाइल है, सवाल ये है इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है। तो दोस्त आंसर बनता है इसकी स्ट्राइक रेंज है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, किस शहर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया था, इट वॉज हेल्ड इन भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस रही थी, नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस रही थी मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। हम लोग ये फेब मंथ का कर रहे हैं, फेब मंथ का। किस दिन को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, विच डे वॉज ऑब्जर्व एज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। देखो 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे, रेजिंग डे इंडियन कोस्ट गार्ड का। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है मेरे भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे आता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, प्लस इसके अलावा नेशनल डिवॉर्मिंग डे क्या है, वर्ल्ड पल्सिस डे, वर्ल्ड पल्सिस डे। 11 फरवरी को आता है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये आपका ऑब्जर्व किया था 11 फरवरी को। और 12 फरवरी को हम लोग नेशनल प्रोडक्टिविटी डे बनाते हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे बनाते हैं। आई होप सो गाइस यहाँ तक सारी चीज़ें, भाई मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है, जहाँ पर मैं गलत लगूँ आपको बता देना, ओके। 12 फरवरी अपने यहाँ पर राइट आंसर बनता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे आपका 12 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। हु हैज़ बीन नेम्ड प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 के लिए
प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो दोस्त आंसर बनता है यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर वन मनप्रीत सिंह को। मनप्रीत सिंह को अभी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, मतलब जो FIH है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया, तो दोस्त आंसर बनेगा मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, इस पर 5 सदस्यीय समूह का गठन किया है, समूह का प्रमुख कौन होगा। 15th Finance Commission has constituted a 5-member group on defense and internet security. Who will head this group? Guys, answer बनता है, इसको head करेंगे NK सिंह, NK सिंह साहब इसको head करेंगे, ठीक है, NK सिंह साहब इसको head करेंगे। देखो अभी एक चीज़ समझना, एक water policy पर एक committee, water policy, ठीक है, नेशनल water policy को जो review करने के लिए committee बनी थी, उसको head किया मिहिर शाह ने, मिहिर शाह ने, ये important बनता है। इसके अलावा NK सिंह क्या कर रहे हैं, defense और internal security के ऊपर जो एक basically group बनाया गया, उसको head ये कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने अंगन फो हुनवा कार्यक्रम में शुरू किया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अंगन फो हुनवा प्रोग्राम, किस राज्य सरकार के द्वारा अभी अंगन फो हुनवा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो गाइस आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, मणिपुर राज्य ने अभी हाल ही में, मणिपुर स्टेट ने अभी हाल ही में अंगन फो हुनवा कार्यक्रम शुरू किया, अंगन फो हुनवा कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, किसको एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, who has been appointed as a chairman and managing director of Air India, Vinod Kumar Yadav, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, ठीक है, और माइकल डी पत्र डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जनक राज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये बतौर मेंबर अभी शामिल किए गए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बतौर मेंबर शामिल किए गए हैं। एम अजीत कुमार क्या है, इसको मेरे को आंसर करेगा, एम अजीत कुमार कौन है, एम अजीत कुमार क्या सीबीआईसी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के हेड है, भाई मे भी हो सकता है, बट फिर भी आप लोग मुझे कन्फर्म कर दीजिए क्या इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर एग्जैक्टली क्या बनेगा। नेक्स्ट यार, यहाँ पर आंसर राजीव बंसल, राजीव बंसल को अभी एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको ब्रिटेन सरकार ने COP26 का अध्यक्ष नियुक्त किया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूके गवर्नमेंट एज COP26, ओके, COP26 के कौन बने, यहाँ पर अर्जुन मुंडा तो ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है, ये बनाए गए हैं, ओके, बहुत बढ़िया, सीबीआईसी के हेड है, अपना आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 3, अभी आलोक शर्मा को COP26 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, COP26 का। आईबीएम के कौन बने, आईबीएम के अरविंद करे, सुरेश चंद्र मिश्रा किसके बने, क्या नेशनल मेडिकल कमीशन के भाई हेड बनाए गए सुरेश चंद्र मिश्रा, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करना, यस और नो में फटाफट से आंसर करिएगा। टेरी के पूर्व प्रमुख, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, टेरी के पूर्व प्रमुख का नाम क्या है जिनकी अध्यक्षता में 2007 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता, मतलब सवाल यहां पर पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर टेरी चीफ हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, फॉर्मर टेरी चीफ का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, तो दोस्त यहां पर आंसर बनता है आर के पचौरी साहब की बात करते हैं, तो ये पूर्व प्रमुख है टेरी के, टेरी मतलब यहां पर बेसिकली, अच्छा मेरे को कोई टेरी के फुल फॉर्म बताएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, दोस्त कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेरी, टेरी के चीफ की बात करते जिनकी अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल रहा था क्लाइमेट चेंज पे, उसने 2007 में नोबेल पीस प्राइज जीता। आर के पचौरी इनका नाम है। नेक्स्ट, किसको प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा यूके के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला तो यार ये फॉरेन सेक्रेटरी भारत के हैं, बेसिकली आंसर यहां पर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 4 ऋषि सुनक। नेक्स्ट, कौन वर्ष 2021 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष होंगे, हु विल बी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द ईयर 2021 मतलब 2021 के लिए आईसीएआई के प्रेसिडेंट कौन होंगे, हरी अब गाइस आंसर करेगा, जहां तक मुझे याद है यहां पर आंसर बनता है आनंद प्रकाश महिनी, एपी महेश्वरी तो नहीं है, सौमर रॉय बर्मन ये भी सीजी है, ये भी नहीं है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी भी नहीं है, अतुल कुमार गुप्ता मेरे भाई यहां पर आईसीएआई के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को हेड करेंगे, ठीक है। किस दिन सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को हर साल भारत के राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है,
देखो, 6 फरवरी को फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे या वर्ल्ड पल्सेस डे, 11 फरवरी को नेशनल डे फॉर गर्ल एंड वुमेन इन साइंस ऑब्जर्व किया जाता है 11 फरवरी को। फिर हम लोगों ने देखा 12 फरवरी को अभी हम लोगों ने देखा नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, और 13 फरवरी को हम लोग यही ही डे मनाते हैं। 13 फरवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष सरोजिनी नायडू जी का जो बर्थडे है ना, उसको हम लोग नेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक मुझे लगता है सभी के सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, मेरा एक सवाल आप लोगों से यह है, वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनानी डे ये कब ऑब्जर्व किया था? वर्ल्ड यूनानी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? थर्टीन फेब। अच्छा, 13 फेब को हम लोग एक डे और मनाते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो एंड डाइवर्सिटी इसकी थीम रही थी। वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? आराम से आंसर करिए, आराम से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नेक्स्ट, नंदू आर कुलकर्णी का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या था? नंदू आर कुलकर्णी बहुत बड़े, 11 फरवरी को हम लोग यूनानी डे मनाते हैं। नंदू आर कुलकर्णी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट? गाइस, नंदू आर कुलकर्णी का निधन हो गया, वह एक पत्रकार थे। नंदू आर कुलकर्णी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ फेमस जर्नलिस्ट, वह एक फेमस जर्नलिस्ट थे। नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रवासी भारतीय केंद्र न्यू दिल्ली चेंज टू? गाइस, इसका नाम हुआ है यहाँ पर सुषमा स्वराज भवन। जो प्रवासी भारतीय केंद्र न्यू दिल्ली में, उसका नाम बदलकर किया गया सुषमा स्वराज भवन। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, सुषमा स्वराज भवन इसका नाम किया गया है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने भारत के लिए बच्चों के संरक्षण कोष की स्थापना की, इसे किसे इस फंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मतलब ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं, उन्होंने अभी हाल ही में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड बनाया था भारत के लिए, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी सर, ये तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलमान खान भारत पे के हैं। दीपिका पादुकोण ये भारत की लक्ष्मी जो इनिशिएटिव है उसकी है। पीवी सिंधु ये वीजा की हैं, ये भारत की लक्ष्मी की भी हैं। और कैटी पेरी की बात करते हैं, कैटी पेरी इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 तक किस तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? ठीक है, देखो एरावत की बात करें तो मेडागास्कर में अभी हाल ही में भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का एक कह सकते हैं प्रोग्राम लॉन्च किया था, और ऑपरेशन इसका नाम है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, इसका नाम है ऑपरेशन वैनिला। और जो इंडियन नेवी का शिप गया था उसका नाम एरावत है मेरे भाई। अपना आंसर बनता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, INS करंज। जो एक थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन है करंज है, इसकी बात करें, ये इंडियन नेवी को डिलीवर्ड कर दी जाएगी बाय दिसंबर 2020। भाई सेशन पसंद आ रहा है प्लीज लाइक भी करते चलो यार, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड कौन बने हैं? तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर यहां पर 1, मौंद्रेती श्रीधर। ये नाम आपको याद रखना है, मौंद्रेती श्रीधर यहां पर चुने गए हैं दोस्त, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, मौंद्रेती श्रीधर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5, भारत 40वें स्थान पर है। जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रहा उसमें इंडिया 40वें स्थान पर है, और टॉप जिसने किया वो यूएसए है। इस इंडेक्स को टॉप किसने किया? यूएस ने टॉप किया है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें जो देश टॉप पर है वो दोस्तों यूएस है। कौन सा है? यूएस इसमें टॉप पर है, ठीक है, टॉप पर यहाँ पर कौन है? यूएस है। नेक्स्ट, प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री विल होस्ट पैसिफिक आइलैंड समिट 2021? तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, जापान जो है वो पैसिफिक आइलैंड समिट 2021 की मेजबानी कर रहा है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट यार, वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, और वो किस राज्य से हैं? वसीम जाफर हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 12,000 रन इन रणजी ट्रॉफी, ही इज फ्रॉम विच स्टेट? गाइस, आंसर बनता है ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। वह महाराष्ट्र से हैं। कहां से हैं? वह महाराष्ट्र से हैं। वसीम जाफर ने अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन किए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और ये जो है, ये वसीम जाफर साहब, ये आपके महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की थी, इसका नाम है शिव भोजन स्कीम। खेलो इंडिया जो गेम्स रहे थे, यूथ गेम्स रहे थे असम के गुवाहाटी में, वहां पर जिस स्टेट ने मेडल टैली में टॉप किया था उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। दीशु भाई, क्या नेट प्रॉब्लम चल रही है क्या बच्चों को? एकदम सब डाउन हो गया। हाँ देखो यार, नेट चल रहा है, नेट में दिक्कत है क्या भाई? एकदम 300 पे आ गए बच्चे। हाँ भाई, 299 क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया? मैं 2 बजे बैठ लगा ही हुआ है ना। दो सौ अस्सी भाई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो आवाज आ रही है क्या? भाई आप सही है तो एक बार ओके ओके लिख दीजिए। एक बार यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओके ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एट MIFF 2020 हैज बीन अवार्डेड टू बाबेन को टेल मी व्हेन आई डाई। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं तो वहां पर बाबेन को टेल मी व्हेन आई डाई, इसको डायरेक्ट किया है बारबरा पास के द्वारा और इनको गोल्डन कॉन्च अवार्ड से सम्मानित किया गया एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। इट इज अ फिल्म ऑफ विच कंट्री, ये किस देश की एक फिल्म है? दोस्त आंसर बनता है ये ब्राजील की एक फिल्म है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया और ब्राजीलिया में एक समिट रहा था, वो था ब्रिक्स समिट रहा था, ठीक है। इट वॉज 11th ब्रिक्स समिट। जो 12th ब्रिक्स समिट है इट विल बी हेल्ड इन रशिया। ये कहां पर होगा? रशिया में होगा। रशिया के साथ इंडिया की दो एक्सरसाइज होती हैं, एक होती है इंदिरा और एक होती है ए विया इंदिरा। ये इंडिया की रशिया के साथ दो एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यार, किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर के भारत के सबसे बड़े ग्रामीण तकनीकी महोत्सव अंत प्रज्ञा 2020 का आयोजन किया गया? एक्चुअली में मुझे पता नहीं चला कि कब क्या हो गया और एकदम इतने बच्चे गए कि मैंने कहा भाई ऐसा क्या करा दिया भाई, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं करा कि भाई बच्चे भाग गए। इन विच स्टेट नेशनल लेवल इंडियाज बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल अंत प्रज्ञा 2020 वॉज ऑर्गेनाइज। ठीक है भाई, आ जाओ, वापस आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। अंत प्रज्ञा 2020 की बात करें तो ये कहां पर रहा है? जहां तक मुझे लगता है तेलंगाना में रहा था। हाँ मेरे भाई, तेलंगाना में रहा था। तेलंगाना की एक स्कीम है रायतू बंधु, ये भी आप याद रखेंगे। और अमराबाद टाइगर रिजर्व भी आपका तेलंगाना में, अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है। किस देश के साथ भारत ने रक्षा, निवेश, परिवहन, बंदरगाहों, संस्कृति और औद्योगिक और बौद्धिक संपदा अधिकारों और योग सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर बनता है पुर्तगाल के साथ किए हैं। अच्छा एक और चीज याद रखना, लोथल में एक मैरीटाइम म्यूजियम बन रही है, उसमें पुर्तगाल ही भारत का साथ दे रहा है। किस राज्य ने जल पर्यटन विकसित करने के लिए केरल के साथ भागीदारी की? आंसर बनता है दोस्त यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने अभी केरल के साथ भागीदारी करी। केरल की स्कीम कौन कौन सी? विजयमृतम, सहचरी और उड़ीसा की तो बहुत सारी स्कीमें, कालिया स्कीम है, पीठा स्कीम, अमाघरे एलईडी स्कीम, ठीक है, सुनेत्र स्कीम और मेरे भाई अबाडा स्कीम, ये सारी किसकी हैं? ये आपके उड़ीसा राज्य की हैं। नेक्स्ट यार, गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गो एयर एयरलाइंस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर विनय दुबे को अभी हाल ही में गो एयर एयरलाइन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वेंडल रॉड्रिक्स का निधन हो गया, वह क्या थे? वेंडल रॉड्रिक्स हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फैशन डिजाइनर। वह एक फेमस फैशन डिजाइनर थे। क्या थे दोस्त? वह एक फेमस फैशन डिजाइनर थे, ठीक है।
नेक्स्ट, किस शहर ने महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की बात करें तो ये कहां पर रहा था? फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये दोस्त नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में रहा था। कहां पर रहा था? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। किसको संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? रॉबिन सिंह को अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन तीनों को बीसीसीआई ने अपनी जो एडवाइजरी कमेटी है उसका मेंबर नियुक्त किया। रुद्र प्रताप सिंह, मदन लाल और सुनक्षना नायक। जो सौरभ गांगुली है 39th प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट यार, किस देश ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज बैंड ई सिगरेट इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, इंडिया। भारत ने भी क्या किया है, जितनी भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट है ना उसमें ई सिगरेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। किस मंत्रालय को उनकी ई गवर्नेंस पहल और ई ऑफिस को लागू करने के लिए सम्मानित किया गया है? किस मिनिस्ट्री को भी हाल ही में उनकी जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है और जो ई ऑफिस इंप्लीमेंटेशन है उसके लिए यहां पर सम्मानित किया गया? तो आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एस जयशंकर साहब इसको हेड कर रहे हैं और ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद भी है, किस देश के साथ कैबिनेट ने सतत मत्स्य पालन विकास के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? जहां तक आइसलैंड है, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर। आइसलैंड की कैपिटल रेक्जाविक, करेंसी क्रोना। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी यहां पर चलती है क्रोन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी यहां पर क्रोना चलती है। ठीक है, डेनमार्क की होती है कोपेनहेगन, करेंसी यहाँ पर नॉर्वे और डेनमार्क नॉर्वे दोनों की क्रोन है। ठीक है, ये भी याद रखना। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, करेंसी यहाँ पर फ्रैंक चलती है। आई होप सो गाइस यहाँ तक क्लियर होगा। अपना आंसर बताओ ऑप्शन नंबर 4, आइसलैंड। आइसलैंड के साथ ये समझौता किया गया था। किस रूट पर भारतीय रेलवे ने तीसरी कॉरपोरेट यात्री ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस से शुरू की है? तो इंदौर और ये वाराणसी रूट पर की गई है। इंदौर वाराणसी पर पहली तेजस जो थी वो कहां पर थी? कॉरपोरेट ट्रेन थी लखनऊ दिल्ली पर। दूसरी जो कॉरपोरेट थी तेजस वो कहां पर थी? अहमदाबाद मुंबई पर। तीसरी जो हुई है ये वाराणसी इंदौर रूट पर हुई है। और ये कौन सी? काशी महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अलावा कालका और शिमला में हिम दर्शन हुई कालका शिमला में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची तमिलनाडु ने SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों थिरुमथीकाट। इस एप्लीकेशन का नाम है। शिशु सुरक्षा एप्लीकेशन असम की है, मधु एप्लीकेशन उड़ीसा के, मनी RBI की एक एप्लीकेशन है। डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है। इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये एब्रीवेशन आपको याद रखनी, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। किसने दुबई में गल्फ फूड 2020 के 25वें संस्करण में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर हरसिमरत कौर बादल। जरा ऑप्शन देखेंगे, यह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, डीवी सदानंद गौड़ा केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री रविशंकर प्रसाद, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री देख रहे हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं। एस जयशंकर साहब ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं दोस्त। नेक्स्ट यार, अरविंद केजरीवाल को ने भैया दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इनको शपथ दिलाई किन्होंने थी? इनको शपथ दिलाई थी अनिल बैजाल साहब ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, जो कि कहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। किस राज्य ने बीज बोने का त्यौहार लुई नगाईनी मनाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेलिब्रेटेड सीड सोइंग फेस्टिवल लुई नगाईनी? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। मणिपुर ने दोस्त अभी ब्रेस्ट फीडिंग में भी टॉप किया था। किसने टॉप किया था? मणिपुर ने। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1254 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 50 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 50 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन रुपी 1254? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी में किया। दोस्त कहां पर? बनारस में। दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये किया था इन्होंने वाराणसी में। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल जो सेंटर है वो हमारा हुआ था कहां पर? वाराणसी में। बट पंडित दीनदयाल जी का जो स्टैचू है ना 63 फीट का, वो कहां पर हुआ? वो चंदौली में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्त? चंदौली में हुआ था। ये देखो, दो कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए।
दोनों पैरेलल इवेंट रहे थे तो ये दोनों कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। भारतीय एथलीटों ने विश्व स्नो चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं, ये किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्त ये आयोजित किया गया था आपका जापान में। कहाँ पर किया गया था? जापान में। स्पेन COP25 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किया है। इसके अलावा 2022 का जो FIH वुमेन्स वर्ल्ड कप है, FIH वुमेन्स वर्ल्ड कप है, उसको स्पेन और नीदरलैंड को होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 2023 का होगा उसे अपना प्यारा भारत करेगा, इंडिया करेगा, इसको भी आपको याद रखना है, इंडिया करेगा। भावना जाट ने 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वो किस राज्य से है? भावना जाट क्वालिफाइड फॉर 2020 ओलंपिक, शी इज फ्रॉम विच स्टेट? गाइस शी इज फ्रॉम राजस्थान। ये राजस्थान से, कहां से दोस्त? ये राजस्थान से हैं, ये राजस्थान से हैं। भाई सेशन पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दो यार, लाइक बड़े कम चल रहे हैं आज के दिन, लाइक कर दो। जोशना चिनप्पा ने चेन्नई में महिला वर्ग में 77वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती है, वो किस राज्य से हैं? जो जोशना चिनप्पा हैं, शी हैज वॉन 77th नेशनल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप इन वुमेन्स कैटेगरी इन चेन्नई, शी इज फ्रॉम विच स्टेट? ये किस राज्य से? आंसर बताए, शी इज फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये कहाँ से है? तमिलनाडु से है, ठीक है। नेक्स्ट, पुरुष वर्ग में, ये महिला वर्ग रहा था, पुरुष वर्ग में जो सौरभ घोषाल है उन्होंने 77वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती है, वो किस राज्य से हैं? तो दोस्तों ये जिस राज्य से, वो राज्य वेस्ट बंगाल। चा सुंदरी और बंगश्री दो योजना है पश्चिम बंगाल की, चा सुंदरी और बंगश्री। किस देश की पुरुष टीम ने मनीला में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? अपना प्यारा भारत है मेरे भाई, अपना प्यारा भारत है, जिसकी बेसिकली कह सकते हैं इंडिया मेंस टीम हैज वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल एट दी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप एट मनीला, ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये रहा आज का सेशन, छोटा सेशन है मेरे भाई, आज हम लोगों ने सिर्फ अराउंड 50 क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस किए। जब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी तो और भी क्वेश्चन के साथ डिस्कशन कीजिएगा 12 बजे। बट प्लीज़ 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 यार, ऐसे बच्चे जो SBI क्लर्क मेंस के लिए जा रहे हैं, वो यार मेरे बैच को स्किप मत करिएगा। 40 घंटे का स्पेशल बैच बनाया गया है, डिटेल डिस्कशन है, MCQ डिस्कशन है, कंटेंट बायलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। 3 क्लासेस हो चुके हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बैच परचेस करेंगे 3 क्लासेस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, मेरी हो चुकी, रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी वो उनका। और आप इवन उसके रिलेटेड बेसिकली आप जो डाउट वगैरह वो बाद में नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बनेगी यार, उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके लिए कोड यूज़ करना Y168 और आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये रहा आज का सेशन, आई होप सो पसंद आया होगा, एंड गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।